ई श्रम कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप एक सीएससी वेनी है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर आप एक ई श्रम कार्ड धारक हैं, मतलब अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में ई श्रम कार्ड पेमेंट को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब सिर्फ कुछ लोगों को ही सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड धारकों को पैसे दे जाएंगे, और जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना है उनमें से कुछ लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो क्या उनमें से किन किन लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, सो आज के इस वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे, साथ में लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको आपकी स्क्रीन पर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो के बीच में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को टर्न से ऑन कर दें, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू कर। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। यहाँ पे साफ साफ बताया गया, वीडियो को आप स्किप करके मत जाना, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी का केस हो सकता है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी रहेंगे बाहर। तो यहाँ पे किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड से संबंधित पैसा मिलेगा, और किन लोगों को ई श्रम कार्ड से संबंधित यानी भरण पोषण भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में साफ साफ बताया गया। जैसा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक श्रमिकों को 1,000 की 2 किस्तें मिलेगी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। भुगतान डीबीटी से किया जाएगा। वास्तव में कोरोना के चलते 2 वर्षों से श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट बना हुआ है। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खड़ी हो रही है। ऐसे में सरकार ने दिसंबर से मार्च तक श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का निर्णय लिया है। किसान यानी किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा इस श्रम कार्ड के तहत, अब उनके बारे में बताया जा रहा है। तो किसान सम्मान के लाभार्थी रहेंगे बाहर, मतलब जिन व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि के तहत जिन लोगों को अभी भी पैसा मिला सरकार की तरफ से, वह लोग जो है इस श्रम कार्ड का जो पैसा मिलने वाला था, वह लोग उनको इस श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन श्रमिकों को किसान सम्मान निधि या इस तरह की अन्य किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के करीब 4,50,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। 31 दिसंबर तक 5,00,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए श्रम विभाग ने कमर कस लिया है। हालांकि औसतन हर रोज 15 से 20 श्रमिक पंजीकरण भी करा रहे हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। श्रमिकों को चाहिए कि ई श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराएं। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में किसी भी पंजीकरण का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह अपडेट काफ़ी अच्छी लगी, और साथ में बताएंगे यहाँ बताएगा मिलेंगे 500 रुपये दिसंबर से मार्च तक मिलेगा लाभ, मतलब जो दोस्तों ई श्रम कार्ड का पैसा है सभी को पैसा मिलने वाला है। सो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना अपने इस दोस्त के साथ, और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।